नमस्कार दोस्तों, प्रिंस क्लासेज खजोला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हम राजस्थान पुलिस के लिए ये 150 प्रश्नों का संकलन किया है और इसमें जीके के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैंने यहाँ पर छांट करके आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। और आइए हम इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है हमारा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 20वें और दाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर आएगा। तो दोस्तों, इसके अंदर हमने देखा है एम, एन, एम और ओ, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास से इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर हम जेड से उल्टा लगें और ए से लगें तो भी हमारे क्या आएगी, तीनों अक्षर आते हैं, इसीलिए हम ये कहते हैं इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, यदि एक्सप्लोरेशन के प्रत्येक व्यंजन को उससे पहले वाले अंग्रेजी वर्णमाला से और प्रत्येक स्वर को उसके बाद वाले अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यानी एक दूसरे को शिफ्ट कर दिया जाए, तो उसके बाद में वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाए, उसके बाद में भी वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से दाहिनी ओर से सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन होगा पी, क्या होगा पी। उसके बाद में हम चलते हैं, निम्नलिखित में से श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये 1, 8, 27, 64 और 125 है। तो ये एक घन चल रहा है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, तो 6 का जो घन होगा वो होगा 216। तो इसका ऑप्शन होगा 216, क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं कि कौन सा वैसा ही है जैसे बुध, मंगल, बुध और बृहस्पति है। तो ये तीनों सूर्य के ग्रह है, यानी तो यहाँ पर क्या आएगा, पृथ्वी। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी सूर्य का उपग्रह है, तो इसीलिए ये तीनों ही सूर्य के उपग्रह है, तो पृथ्वी भी इसके समान आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि निम्नलिखित में से 3 शब्दों एक जैसे हो और अपना शब्द समूह का निर्माण करते हैं तो इन तीनों से कौन सा भिन्न होगा। तो यहाँ पर पेड़, जड़, तना और पत्ती, तो यहाँ पर पेड़ होगा, क्योंकि ये तीनों ही भाग पेड़ के हैं, जबकि पेड़ एक अलग है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि यहाँ पर निम्नलिखित में से संख्याओं के श्रृंखला में ऐसे कितने 2 है जिनके ठीक पहले 8 है और जिनके ठीक बाद 9 नहीं है। तो इसके अंदर हमारे आता है 2, इसमें हमें 2 ऐसे जोड़े मिलेंगे, क्लियर, ठीक है। उसके बाद हैं, 1 15 सेमी घन वाले 15 सेमी भुजा वाले घन को 3 सेमी भुजा वाले छोटे घन में विभाजित किया जाए, यानी 3 सेमी भुजा वाले घनों में विभाजित किया जाए तो कितने प्रकार के घन प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, ये सिंपल सा है, क्योंकि हम घन का 15 सेमी घन का निकालते हैं तो 15 × 15, ठीक है, हमें किस में करना है, 3 × 3 यानी छोटे घनों में बांटना है। तो हम एक दूसरे को इसको काटते हैं तो यहाँ पर क्या है कि 5 का क्यूब बन जाती है, 5 का घन बन जाता है, तो 125 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा हमारे 125, क्लियर, आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि इसको सिर्फ छोटे घनों में बांटा है, घनों की संख्या नहीं पूछी है। वैसे मतलब कि 3 सेमी का घन है तो छोटे घन कितने बनेंगे, ऐसा नहीं पूछा है इसमें। आगे दे रखा है कि एक पासे की स्थिति 2 के विपरीत क्या होगी। देखिए, 3 और 5 हमारे पास ऑलरेडी है ना, तो अब हमारे पास ये रूल तो लग नहीं सकता,
जैसे सात वाला, ठीक है ना, तो सात वाला रूल तो लग नहीं सकता, तो इसीलिए हमारे पास क्या है कि तीन और पांच को छोड़कर के बाकी सभी हम होगा, जैसे एक भी आ सकता है, चार भी आ सकता है और छह भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखा है निम्नलिखित में से आरेख में दिए गए पति पत्नी और परिवार के संबंध में सही निरूपण क्या होगा, तो ये बड़े वाला रूप है ये परिवार का है और पति और पत्नी इसी का ही एक भाग होता है, तो इसमें तीन नंबर होगा, क्लियर। उसके बाद दे रखा है कि यदि दो कथन दिए गए हैं, ठीक है, और आगे जिसके आगे निष्कर्ष एक नंबर और दो नंबर निकाले गए हैं, आपका विचार करना है कि कथन सत्य चाहे वह समानता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, आपको निर्णय करता है कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन निश्चित रूप से निकलता है, उसका उत्तर दी। सभी कौवे पक्षी है, ठीक है, सभी मोर पक्षी है, क्लियर, ठीक है, तो सभी मोर पक्षी है या सभी पक्षी मोर है। देखिए हम इसको एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं तो बहुत ही बेटर रूप से समझ आता है कि ये पक्षी का डायग्राम ले लिया और इसके अंदर हमने कौवा ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक मोर का ले लिया, तो हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे ये पक्षी है तो सारे मोर पक्षी हो सकते हैं लेकिन कुछ पक्षी मोर हो सकते हैं, सारे कोए पक्षी हो सकते हैं है लेकिन कुछ पक्षी कोए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो कथन आता है वो आता है पहला, प्रथम और द्वितीय दोनों ही सही है। सॉरी 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 सॉरी, हम यूँ नहीं, सभी मोर पक्षी है ये बात सही है, सभी पक्षी मोर नहीं हो सकते, तो यहाँ पर निष्कर्ष निकलेगा हमारा केवल तीन नंबर। और उसके बाद है एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, यानी 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद में 20 मिनट का आराम करता है, क्लियर, तो बताइए कि वो 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना टाइम लेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ से वो 1 किलोमीटर चला, फिर 1 किलोमीटर चला, फिर 1 किलोमीटर चला, तो 3 किलोमीटर हो गए, 3 किलोमीटर के अंदर वो टाइम लेता है 3 घंटे 4 घंटे और 20 मिनट, यानी 20 मिनट को इसको ऐड कीजिए, तो इस प्रकार ये क्या बन जाता है, आपके टाइम बन जाता है 13 घंटे, 13 प्लस आधा किलोमीटर और गया, तो आधा घंटे के अंदर 2 किलोमीटर 2 घंटे और लेगा, तो इस प्रकार वो 15 किलोमीटर का टाइम लेता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा 15 का, ठीक है। उसके बाद है एक टोकरी में सेवों की संख्या प्रत्येक मिनट दुगनी हो जाती है, यानी प्रत्येक मिनट दुगनी हो जाती है, टोकरी 1 घंटे में पूरी भर जाती है, तो आधी कब होगी, तो आधी ठीक उससे पहली मिनट पहले आधी होगी, तो वो होगी 59 मिनट, क्लियर। उसके बाद दे रखा है कि एक रेलगाड़ी की चाल 92.4 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है, तो 20 मिनट में कितने मिनट मीटर दूर चलेगी, क्लियर, ये बात ठीक है, तो यहाँ पर अपने को समझने की जरूरत है कि दूरी कितनी चलती है, वो 92.4 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है, तो हम इसको मीटर में चेंज कर देते हैं, क्लियर, मीटर में जब हम चेंज करेंगे तो इस प्रकार हमारा और उसके बाद में जो आएगा ऑप्शन उसको वापस अपने 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 20 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है 38,000, अड़तीस हजार और 800 मीटर आता है, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं, एक मशीन जो एक फीते को 10 मीटर के टुकड़े में काटती है, क्लियर, वह एक बार काटने में 6 सेकंड लेती है, 3 किलोमीटर फीते को काटने में पूरी तरह से टुकड़ों में काटने में कितना समय लेगी, ठीक है, तो पूरे काटने के अंदर वो जो टाइम लेगी उसका टाइम, यानी हम यूँ मानते हैं कि जो इसके अंदर लास्ट जो टुकड़ा है उसके 6 सेकंड आपको घटाने हैं, 6 सेकंड हम घटाते हैं तो टोटल 1800 सेकंड हो जाते हैं, 6 सेकंड घटाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1700, क्या नाम लेते हैं, जो है 94 मीटर, यानी कहने का मतलब है कि जब मीटर के अंदर 3000 मीटर बन गई,
ठीक है, 10 मीटर का टुकड़ा है, 10 मीटर का टुकड़ा काटती है तो 300 टुकड़े बनेंगे। 300 के अंदर वो क्या है कि 6 मिनट के अनुसार 1800 मिनट ले रही है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन लास्ट टुकड़ा उसको काटने में 6 मिनट लगेगी नहीं, वो घटा दीजिए। घटाएंगे तो हमारे पास क्या है कि लास्ट तो टुकड़ा जब लास्ट टुकड़ा तो ऑटोमेटिक ही कट जाएगा, तो इसीलिए क्या है 6 सेकंड वो घटा दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा जो है 1794 सेकंड लगेंगे उसको। आगे है 200 मीटर की दूरी, दो स्टेशन एक्स वाई से एक दूसरे के विपरीत 60 और 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। मान लीजिए कि एक ट्रेन इधर से आ रही है 60 किलोमीटर, इधर से आ रही है 40 किलोमीटर, तो यानी एक दूसरे की तरफ है ना, ये कितनी दूरी से बढ़ रही है, यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ रही है, दोनों की जो दूरी है विपरीत में जोड़ी जाती है, ठीक है ना। तो ये कितने टाइम के अंदर अपने आप को कवर कर लेगी, तो वो टाइम आएगा हमारा 2 घंटे, क्लियर। 2 घंटे यानी 200 किलोमीटर है तो 100 किलोमीटर के हिसाब से 2 घंटे बनेंगे। इसके बाद है कि 70 लोगों में से 20 कॉफी और 35 कॉफी, 20 लोग हैं जो कॉफ़ी और चाय पीते हैं और 35 लोग हैं वो कॉफ़ी पीते हैं, तो केवल कॉफ़ी और चाय पीने वालों की संख्या क्या होगी, तो इसका जो हमारा जो क्रम है वो हमारा होगा 35 और 15, ठीक है ना, क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर दिए गए आयतों की संख्या क्या होगी, तो आयतों की संख्या हम अगर इसको माना जाए तो सब गिनते हैं, मतलब ऐसे ये 2, 4 और फिर 1, 6, तो इस प्रकार हमारे आयतों की संख्या होगी वो होगी 10, क्लियर। आगे हम देते हैं कि एक परिवार के अंदर एक आदमी, उसकी पत्नी और उसके 4 बेटे हैं, उनकी पत्नियां भी हर बेटे के परिवार में 3 पुत्र और 2 पुत्रियां है, तो उस परिवार में पुरुषों की संख्या क्या होगी, तो कुल मिलाकर के हम बात करते हैं तो इसके अंदर आता है उत्तर 17। उसके बाद है एक आदमी एक बोतल में 12 ओस की बूंदे हैं, यानी 12 अपने यूं कह सकते हैं 12 ड्रॉप्स है। डॉक्टर ने एक मरीज को प्रत्येक आधे घंटे पर 2 ओस की बूंदे लेने की सलाह देता है। यदि मरीज इस दवा को 7 बजे शुरू कर देता है तो कितने बजे वो दवाई समाप्त कर देता है, तो कहने वाला है आधे घंटे पर 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 घंटे 1 ओस की घंटे की जो होगा वो 4 1 घंटे में 4 ओस की बूंदी लेगा, 4 ओस की बूंदी लेता है तो हमारा कितने बच जाएंगे, 10 बच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि हैदराबाद रेलवे स्टेशन के पूछताछ ऑफिस में एक यात्री को बताया गया कि 25 मिनट पहले विजयवाड़ा के लिए ट्रेन छूटी, जबकि प्रत्येक 50 मिनट बाद में एक ट्रेन विजयवाड़ा के लिए चलती है या छूटती है, अगली ट्रेन सुबह 10:30 बजे आएगी, तो किस समय वह सूचना यात्री को दी गई, तो यहाँ पर 25 मिनट पहले छुट्टी और 25 मिनट बाद में आ जाएगी, तो 50 मिनट का अंतर होता है तो वो हो जाएगा 10:50, 10 सॉरी 10:05, ठीक है ना, क्योंकि ठीक उससे 25 मिनट बाद में एक ट्रेन और आ जाएगी, तो 10:30 बजे तो ट्रेन आ जाएगी, क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं शतरंज के खेल में एक समय पाया गया कि कुल आधे मोर बचे हैं, इनमें से 12 सफेद खानों के लिए हैं, तो काले खानों के बचे हुए मोरों की संख्या क्या होगी, तो ये आप देखिए और इसको निकालिए, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं, 5 बच्चे एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, हर बच्चे को एक दूसरे से खेलना जरूरी है, तो उन सब बच्चों में कितने बच्चों को कितने मतलब गेम खेलने पड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर उन बच्चों को कितने गेम खेलने पड़ेंगे ये आपको मैं बताता हूँ कि उन बच्चों को कुल जो गेम खेलने पड़ेंगे वो हो जाएंगे 5 × 4, ठीक है, और / 2, तो इस प्रकार 10 गेम हो जाएंगे। एक रूप में तैरने तैराने के लिए
कम से कम कितनी बतखों की आवश्यकता होगी जब एक बतख के आगे दो बतख, एक बतख के पीछे दो बतख हो, तो दो बतखों के बीच में एक बतख हो, तो ऐसे जोड़ों में हमें केवल पांच की, एक दो बीच में और एक दो, तो ये इस प्रकार पांच बतखों की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद है कि यदि निम्नलिखित सजा जो शब्दों में कर्म के अंदर रखा जाए तो एक तर्क संगत कर्म बनेगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमारा जो ऑप्शन आएगा, पहले क्या होगी, अपराध होगा, फिर अपराध होगा तो फिर गिरफ्तार होगा, और जब गिरफ्तार होगा तो उसको क्या है कि न्याय के लिए जाना पड़ेगा, और जब न्याय पर जाएगा तो उसको मिलेगी सजा, और सजा मिलेगी तो उसको क्या जाएगा, जेल जाएगा। इस प्रकार हमारा कर्म आ जाता है दो नंबर, ठीक है। उसके बाद है ए और बी के लिए तीन मार्ग है, एक कितने मार्ग में ए और बी तक जा सकता है और लौटना है अगर उसी रास्ते से वापस नहीं जाना चाहता, क्लियर। तो ये इसके अंदर क्या है कि तीन मार्ग है तो वापस नहीं लौटता है, तो ये मान लीजिए कि ये मार्ग है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, इस रास्ते जाता है इस रास्ते से लौटेगा, इस रास्ते से जाता है तो वो इस रास्ते से लौटेगा, ठीक है, जब इस रास्ते से जाएगा तो इस रास्ते से लौटेगा, और इस प्रकार ये हो जाते हैं छः। आगे हम देखते हैं, दस दोस्त परस्पर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हस्त मिलाप की कुल संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इसका एक रूल है कि दस दोस्त है तो एक घटा दीजिए, ठीक है, और भाग दो का दे दीजिए तो पाँच, तो इसकी संख्या आ जाएगी 45, ठीक है। अगर आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे भी इस प्रकार के पटवारी के जो वीडियो है, मॉडल पेपर है, वो मिलते रहेंगे और भी बहुत कुछ जानकारी आपको मिलती रहेगी। आगे हम बात करते हैं कि एक अंग्रेजी वर्णमाला सीखने वाला छोटा बच्चा केवल सीधी रेखा खींच सकता है, यानी केवल सीधी रेखा खींच सकता है, और वह बड़ी अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर बना सकता है। जैसे मान लीजिए कि ए को बनाना है तो ये सीधी रेखा खींच सकता है, तो इस प्रकार जैसे ए है, यानी वो रेखा को मोड़ नहीं सकता, जैसे ए ई को बनाना है तो ऐसे बना सकता है, एफ को बनाना है तो इस प्रकार, तो इस प्रकार वो केवल 15 अक्षर बना सकता है। ये आगे है कि यदि पांच अक्षर ए ई आई ओ यू में से प्रत्येक को प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का अंकमान किया जाए तो सभी स्वरों का कुल कितना मान आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कुल कितना मान आएगा, ठीक है, तो इसमें से कोई भी मान यहाँ पर नहीं बैठता है, तो निम्न में से कोई नहीं होगा, ठीक है। आगे ये पहले वाला रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसका आंसर 15 ही होगा। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि नीचे दिए गए चित्र में पर्सन चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9। अगर आपने हमारे चैनल प्रिंस क्लासेज खाजूवाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, राजस्थान पुलिस मॉडल पेपर नंबर 2 चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में उपरोक्त में समकोण चतुर्भुजों की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर जो होगी उसको हमने करेंगे तो इसमें आ जाएगा 18। इसके बाद हम बात करते हैं कि दिए गए तर्क को पढ़ें और निर्णय लें कि कौन सी मान्यता और मान्यता टिप्पणियों को तर्क संगत रूप में पालन करती है, और एक बैंक में विज्ञापन कहता है कि FDI पर निवेश करके और 15% ब्याज कमाएं। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो मतलब इसका एजुकेशन मान्यता आती है वो ये है कि 15% ब्याज निवेश से अच्छी संख्या मतलब अच्छी संख्या को आकर्षित करेगी, कोई अन्य बैंक अपने बैंक पर 15% ब्याज नहीं देता, तो ये हमें कहीं नहीं दिया गया है, ये अपने मान सकते हैं। तो इस पर मान्यता नंबर 1 ही यहाँ पर उचित रहती है। इसके बाद में देखा, निम्नलिखित तालिका में विभिन्न राज्यों की परीक्षा में बैठने वाले और उत्तीर्ण होने वाले सफल छात्रों की संख्या दिखानी है। दी गई आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2001 में एफ राज्य में जो डी ग्रुप है ना,
इस डी ग्रुप के अंदर सफल छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? तो इसका जो प्रतिशत होगा दशमलव के एक अंक में देना है, तो इसका दशमलव अपने होगा जो अपने 3000 मतलब छात्र हुए हैं और 3200 छात्र इसमें टोटल है, इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 92.3% आ जाएगा। उसके बाद है यू, वी और डब्ल्यू का भाई है, एक्स डब्ल्यू की माँ है, वाई यू के पिता है, ठीक है। तो वाई और यू का क्या संबंध होगा? तो यहाँ पर जो संबंध होगा वो वही होगा, ठीक है ना, जो पिता के रूप में। इसके बाद में ये आकृति है कि आगे इसका सही अनुक्रम क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर अपने एक डब्बा बना, ठीक है, ये डब्बा यहाँ खिसक करके मतलब यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर तो यहाँ पर एक नया डब्बा बन गया, ठीक है, फिर ये डब्बा खिसक करके यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर एक नया डब्बा उत्पन्न हो गया, ये डब्बा यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो फिर इस प्रकार हम जो आगे नेक्स्ट करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास आता है, वो आता है इस प्रकार की हमारे पास आकृति बनेगी डी। उसके बाद है आर 4E3N2U, ये दर्पण में छवि किस प्रकार बनेगी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम अगर देखते हैं तो हमारे देख लीजिए कि इसमें दो सही बन रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। इसके अंदर हम देखते हैं तो R इधर बन रहा है, U इधर बन रहा है, ठीक ना, तो ये भी नहीं है, ठीक है। और इस प्रकार क्या है कि ये एक नंबर हम इसमें मानेंगे। आगे दे रखा है कि निम्न में से अन्य शब्दों में भिन्न, कमांडर होता है, ब्रिगेडियर होता है सेना के अंदर, और एडमिरल होता है, कोमोडोर नहीं होता, तो ये हमारा भिन्न होगा, दो नंबर, ठीक है। इसके बाद दे रखा है एक कार्यालय में दोपहर में एक आवेदन पत्र आता है, उसके अगले दिन संबंधित शाखा को दिया जाता है, संबंधित शाखा से अगले दिन आवेदन संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है, उसी दिन वह शुक्रवार था तो उसका निस्तारण करता है, तो प्रार्थना पत्र किस दिन आया होगा, ठीक ना। तो इसको हम जब देखते हैं तो ये आता है मतलब 3 दिनों की बात हो जाती है, तो यहाँ पर तीसरा पहला दिन होता है वो आता है बुधवार। किसी संख्या किसी कोड में प्राइवेट को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रिसक 2, 3, 9, 8 के रूप में लिखा जाता है, तो गुप्त स्वास्थ्य में रिवेट्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका होगा आपके जो, तो वो हो जाएगा 2, 3, 4, 7, 6, 9 यानी 2 नंबर। इसके बाद हम बात करते हैं नीचे दिए गए तर्क को पढ़ें और दो अवधारणाएं दी गई है, कृपया इन सभी को पढ़ें और निर्णय लें कि कौन 5 धारणाएं तर्क का पालन तर्क संगत रूप से करती है और सरकार 2017 और 18 के लिए आयकर फाइल के लिए 64 विशेष काउंटर स्थापित करती है, इन काउंटरों पर दी जाने वाली सेवाओं में लोगों को आयकर आसानी से मतलब फाइल करने में मदद मिलेगी, आयकर फाइल करने के लिए इन काउंटरों पर प्रशिक्षित कर्मचारी होंगे। तो यहाँ पर जो अपना जो है उसके अंदर आता है केवल धारणा एक। उसके बाद में हम बात करते हैं यदि प्लस को गुणा और गुणा को माइनस और भाग को घटाने का
अगर इस प्रकार ये उत्तर दिया जाए तो इसमें जैसे 20-8 × 4/3 + 2 का उत्तर क्या आएगा। तो यहाँ पर हम इसको अगर सारे चिन्हों को अगर बदल देते हैं तो हमारा ऑप्शन क्या आता है, 16 आता है। इसके बाद में वर्षा मापी, वर्षा सिस्मोग्राफी, इसका होता है भूकंप। एक कॉम्पैक्ट डिस्क, ये अब हमारा जो कंप्यूटर और आगे जीके का पार्ट शुरू हो गया और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये किस प्रकार की होती है। तो आप देखिए कि जब भी कोई है ना सीढ़ी होती है ना, उसके ऊपर चमकीला पदार्थ होता है, ठीक है ना, वो चमकती है, तो इसका मतलब वो प्रकाशीय है। इसके बाद में वर्ल्ड वाइड वेव की संकल्पना किसने की थी, ये की थी टिम बर्नर ली ने। इसकी क्या है कि WWF की संकल्पना यानी उसको बनाया इसी ने ही था। इसके बाद है 2G, जी का मतलब होता है जनरेशन। उसके बाद पेन ड्राइव है, तो यह पेन ड्राइव को हम क्या है कि कंप्यूटर से हटा सकते हैं, तो इसीलिए ये एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारण एकक यानी यूनिट है। और माउस, माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है यानी जो हमें सॉरी आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इसके अंदर क्या है कि मॉनिटर जो हमें देता है आउटपुट देता है, प्रिंटर होता है जिसे हार्ड कॉपी निकालते हैं, प्लॉटर होता है इससे हमें आउटपुट लेते हैं, लेकिन माउस नहीं होता, माउस हमेशा इनपुट होता है। नेक्स्ट होता है कि जैसे सबसे अधिक प्रचलित होने वाली इनपुट इकाई कौन सी है, तो इसके अंदर आएगा कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड्स हमेशा इनपुट देता है और सबसे ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद आजकल उपयुक्त होने वाली सबसे ज़्यादा निवेश कौन सी है, तो इसके अंदर भी आएगा माउस। इसके बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर भंडारों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, नहीं, ये आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सक्षम है या पूर्ण गोपनीयता को बनाए रखने के लिए सक्षम है और कभी कभी वायरस से द्वारा आक्रामित हो जाती है, तो इसके अंदर हमारे पास जो आएगा वो ऑप्शन नंबर एक आएगा, आंकड़ों को भंडारण करने वाली यानी कंप्यूटर के अंदर आंकड़े भी भंडारित होते हैं, ये सबसे पहले। उसके बाद है नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है जो इंटरनेट, जो मतलब हर नेटवर्क को जोड़ता है। इंट्रा जो नेटवर्क होता है वो क्या है कि एक ही मतलब लाइन के अंदर जुड़ने वाले कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्या है कि एमएस एक्सेल के अंदर फंक्शन जोड़ने के लिए शॉर्ट की यूज की जाती है, तो यहाँ पर शॉर्ट की यूज की जाती है वो आती है Shift+F3। प्रथम पृष्ठ पर सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं, हम देखते हैं होम पृष्ठ यानी गृह पृष्ठ का मतलब होम पृष्ठ, होम पेज देखते हैं, पृष्ठ का मतलब पेज, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर में सर्वप्रथम विदेशी तकनीक का कंप्यूटर कहलाता था, ये हमारा भारत का बनाया हुआ परम जो सबसे मतलब तेज कंप्यूटर है। इसके बाद कौन सी मस्तिष्क प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है, तो वो कंप्यूटर है क्वांटम कंप्यूटर कहलाता है, यानी और सारे कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग होते हैं, ये कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर है जो स्वीडन में बना है। WLL का अर्थ होता है वायरलेस, WLL ये पहले फोन हुआ करता था और इसका मतलब होता है वायरलेस लोकल इन लूप। निम्न में से असंगत है, देखिए नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पारूप समिति भीमराव अंबेडकर, संचालन समिति वल्लभ भाई पटेल, ये नहीं हो सकता। संचालन समिति है ये है ना वल्लभ भाई पटेल नहीं था इसका, ठीक है ना, इसका संचालन समिति का था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद मिस्र सभ्यता, अगर मिस्र सभ्यता का नाम लेते हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन आता है नदी, नील नदी।
उसके बाद भारतीय संसद कितने अंग है, भारतीय संसद में 3 अंग है। देखिए, एक तो होता है राज्यसभा, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। तो दो तो ये कानून बनाती है, जब कानून राष्ट्रपति पारित नहीं करेगा तब तक कानून का रूप नहीं लगता, इसीलिए यहाँ पर राष्ट्रपति भी उसका एक अंग होता है। तो यहाँ पर 3 अंग होंगे। उसके बाद हैं लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री आसीन होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, वो थी इंदिरा गांधी, सॉरी जवाहरलाल नेहरू भी थे, इंदिरा गांधी नेहरू भी थी, इंदिरा गांधी भी थी और अटल बिहारी वाजपेयी था। तो उपयुक्त में से सभी। पंचायती राज सेवा का निर्माण की सिफारिश की गई थी, तो यह था अशोक सिंह मेहता, ठीक है। उसके बाद में किस राज्य के विधानसभा प्रसिद्ध नहीं है, तो इसके अंदर आता है राजस्थान। राजस्थान के अंदर क्या है कि 66 सीटों के विधान प्रसिद्ध के लिए सिफारिश लोकसभा को भेजी गई थी, वो ना रद्द हो चुकी है, और बाकी में सभी में क्या है कि द्विसदनीय विधानसभा है। उसके बाद में मुद्रास्फीति में क्या होता है, मुद्रास्फीति में मांग में वृद्धि होती है, मुद्रास्फीति में क्या है कि पूर्ति में वृद्धि होती है, कीमतों में वृद्धि होती है। उपरोक्त में से सभी। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई दर का बढ़ना, जिसमें क्या है कि गरीबों को घाटा होता है, अमीर लोगों को फायदा होता है। और राजस्थान पुलिस मॉडल पेपर नंबर 2 प्रिंस क्लासेज खाजोला पर चल रहा है, और आप ये हमारे इस चैनल प्रिंस क्लासेस खाजोला को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे दे रखा है, निम्न में से किस नदी को दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है, तो वो नदी आती है कावेरी। कौन सी नदी आती है, कावेरी नदी आती है, ठीक है। और उसके बाद है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो वह है तबीजी अजमेर के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का परिभाषित क्या करता है, तो एक दूसरे के उत्पाद को खरीदना, एक दूसरे की सेवाओं को खरीदना, एक दूसरे की सेवाओं को बेचना। उपयुक्त में से सभी। इसके बाद ओलंपिक खेलों के अंदर ध्वज कितने होते हैं, तो ओलंपिक खेलों के अंदर ध्वज होते हैं जी 5, क्योंकि 5 महाद्वीपों का एक प्रतीक होता है। इसके बाद तुलसीदास ने रामायण रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी, तो वो थी कृष्ण देव राय के काल में। विक्रम संवत का नाम लेते हैं, तो हम सीधे चलते हैं 57 वर्ष ईस्वी पूर्व। उसके बाद किस तुर्क शासक ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था, तो वो था सुबुतगिन। कौन था, सुबुतगिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था 1893 में। किस अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो यह था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। दहशाला बंदोबस्त कब लागू की गई थी, दहशाला बंदोबस्त 1582 के अंदर लागू की गई थी, और कुछ बुक्स में आपको 1580 मिलता है, लेकिन यहाँ पर 1582 के अंदर जो टोडरमल जो बंदोबस्त थी उसी को ही दहशाला बंदोबस्त कहते हैं, और ये शुरू की थी अकबर ने। और इसके बाद में पृथ्वी अपनी धुरी के ऊपर कितने समय में घूर्ण करती है, तो ये घूर्ण करती है 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड। इसमें सीधा 4 सेकंड भी आपको मिलता है, तो वो भी ऑप्शन आपका सही होगा। और प्रिंस क्लासेज खाजोला पर चल रहा है मॉडल पेपर, राजस्थान पुलिस मॉडल पेपर नंबर 2, और आप हमारे चैनल प्रिंस क्लासेज खाजोला को जरूर सब्सक्राइब करें। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो वह है उत्तर प्रदेश। राजस्थान पुलिस मॉडल पेपर नंबर 2। महत्वपूर्ण जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन।
भारतीय कृषि सॉरी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय है वो आपको मिलेगा कोलकाता के अंदर। उसके बाद में प्रथम शिखर सम्मेलन में कितने लोगों ने भाग लिया, तो यहाँ पर भाग लिया था, ठीक है, तो ये भाग आपके लिया था 172 लोगों ने, सॉरी यहाँ पर मैंने 178 लिख दिया, मिस्टेक हो गई, लेकिन 172 लोगों ने क्या है कि इस प्रथम शिखर सम्मेलन के अंदर भाग लिया था, ठीक है, ठीक। उसके बाद में भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन से हैं, तो देखिए हमारे भारत के अंदर 3 जैव विविधता के हॉटस्पॉट है, जिसमें से हमारे पास आता है एक तो, ठीक है, पूर्वी घाट और पूर्वी हिमालय, सॉरी पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय आता है, और एक हमारा जो तीसरा बना हुआ है वो पूरा हिमालय बना हुआ है, और पूरे विश्व के अंदर 44 जैविक हॉटस्पॉट है। उसके बाद में भारत के किस क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, तो वो है बेरन और नारकोंडम, यानी ये दोनों ही अंडमान निकोबार में पड़ते हैं, क्लियर, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि कपड़े धोने का जो सोडा होता है वो क्या होता है, ठीक है, तो इसके अंदर जल योजित सोडियम कार्बोनेट होता है। उसके बाद में एलईडी है, एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। उसके बाद विंडोज सॉफ्टवेयर किसके द्वारा तैयार किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। पांडु रोग जिसको हम एनीमिया रोग कहते हैं, ये एनीमिया रोग हमेशा क्या है, विटामिन 12 की कमी से होता है, यानी इसके अंदर आयरन की कमी रहती है। शोर की तीव्रता को मापा जाता है डेसिबल के अंदर। लैक्टो के अंदर मापा जाता है दूध। डीआरडीओ को मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। 26 जून 2019 को खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स रो का प्रमुख किसे बनाया गया था, सामंत गोयल को। विश्व क्रिकेट कप 2019 में प्लेयर ऑफ द मैच टूर्नामेंट का खिताब किसे दिया गया था, केन विलियम्स ने, इसने 578 रन बनाए थे। सत्रहवीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश बिड़ला जो कोटा और बूंदी विधानसभा सांसद क्षेत्र से हैं। 9 मई 2019 को किस भारतीय राजनेता को मालवी द्वीप का सर्वोच्च सम्मान निशान इजुद्दीन से सम्मानित किया था, वो है नरेंद्र मोदी, ठीक है ना, वो कौन है, नरेंद्र मोदी है, और जो राष्ट्रपति है मालवी द्वीप का वो है इब्राहिम मोहम्मद सोली। उसके बाद 21 जून 2019 को ब्रिटिश हेराल्ड ने एक रीडर्स पोल में किसे वर्ष 2019 का सबसे ताकतवर शख्स माना, तो वो है नरेंद्र मोदी, जिसने डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन यानी रूस के राष्ट्रपति को भी पीछे छोड़ दिया। किस निम्न में से किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, तो वो है अंता, क्योंकि अंता के अंदर गैस संयंत्र लगा हुआ है। इसके बाद में राजस्थान में शासन चले की स्थापना कब हुई, तो 1949 के अंदर। और इसके बाद में है राजस्व मंडल, राज से बनता है राजवीरा, ठीक है, और शिक्षा विभाग से बनता है सिवीरा, तो यहां पर आ जाएगा राजवीरा। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, ठीक है, राज्यपाल के सलाहकार के रूप में कार्य करता है, तो वो करता है राज्य का मुख्य सचिव। उसके बाद राज्य पक्षी गोडावण।
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? ये गोडाउन को ही कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है राजस्थान की? अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो 1070 सबसे ज़्यादा है जैसलमेर की 464। क्लियर। सबसे कम है बीकानेर की। उसके बाद राज्य में संभाग और जिलों की संख्या 7 संभाग और 33 जिले। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर गंगानगर। सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? जैसलमेर की 464। सबसे कम लगती है बीकानेर की जो 168 किलोमीटर है। गुरु शिखर की माउंट आबू के अंदर ऊंचाई कितनी है? तो वह है 1722। कई जगह आपको 1727 मिलता है लेकिन 1727 के अंदर वो एक मंदिर आ जाता है, ठीक ना, तो इसीलिए इसकी वास्तविक ऊंचाई 1722 ही मानी जाती है। चंबल नदी का प्राचीन नाम है चरमवती, इसको कामधेनु भी कहते हैं। चंबल घाटी परियोजना में निम्नलिखित में से कौन से दो बांध है? तो यहां पर आता है ज्वार सागर और राणा प्रताप सागर, जो राजस्थान के अंदर, राजस्थान में पूछे इसे। इसके बाद निम्न में से कौन सा युग्मक सही सुमेलिखित कीजिए? तो यहां पर आता है जो सुमेलिखित नहीं है तो वो है किन्नू बूंदी। किन्नू आता गंगानगर के अंदर सर्वाधिक। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थिति, शक्ति परियोजना ये रामगढ़ जैसलमेर के अंदर आती है। किस विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट का नाम लेते ही हम आ जाते हैं बाड़मेर। निम्नलिखित में से किसने 1950 से 51 बीच में कालीबंगा की पहचान की थी? तो एएस घोष। कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो वह है कृति स्तंभ 1460। स्वाई जय सिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में वेदशाला का निर्माण नहीं करवाया था? ठीक है ना, नहीं करवाया था। तो इसके अंदर हम आते हैं उज्जैन दे रखा है, मथुरा दे रखा है, आगरा दे रखा है और बनारस दे रखा है। तो इसमें 5 वेदशालाओं का निर्माण करवाया था जिसमें जयपुर दिल्ली आया था लेकिन बनारस कहीं नहीं था। विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष के द्वारा जो कपड़े और आभूषण मांगे जाते हैं उसको हम कहते हैं बरी। '1857 में विद्रोह के समय राजस्थान में छावनियां थी 6। दयानंद सरस्वती का निवारण कहाँ हुआ था? तो दयानंद सरस्वती का निवारण हुआ था अजमेर के अंदर, जोधपुर के अंदर। एक नहनी जान नाम की गणिका ने क्या है कि जहर दिया था, उसके बाद ये क्या है कि अजमेर चले गए थे और वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक गोकुल भाई भट्ट। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक सही तो माने जाते हैं साधु सीताराम, लेकिन वो तो प्रथम चरण के थे। यहाँ पर प्रथम चरण का कोई वर्णन नहीं है, न ही साधु सीताराम दे रखा है, तो इसीलिए हम मानेंगे विजय सिंह पथिक को। राजस्थान राज्य की वर्तमान स्वरूप किस तारीख से हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को। राग मंजरी और राग माला निम्नलिखित में से संगीत ग्रंथों की रचना किसने की थी? पुंडरीक विठल ने। उदयपुर के पास स्थित किन प्राचीन कस्बे को ताम्र नगरी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आहेड। अरावली श्रृंखला 2 भागों में बांटती है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व। कौन से भाग को सबसे कम वनस्पति मिलती है? तो वह है उत्तर पश्चिम, क्योंकि ये मरुस्थल आ जाता है। चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ किसने बनाया था? महाराणा कुंभा ने। कौन सी नदी सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में बहती है? पश्चिमी राजस्थान में बहती है तो वो है लूणी। किस जनजाति में मत्स्य पुराण का मतलब
उल्लेख मिलता है तो वह मीणा, क्योंकि मैं और मैं मत्स्य शहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं तो वह है बारा के अंदर। बारा के अंदर 97,000 शहरिया जाति है, वो लगभग दो ही तहसीलों शहबाज और किशनगंज में पाई जाती है। राजस्थान में ट्रेनिंग स्कूल का नाम लेते हैं तो हम आते हैं उदयपुर। महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेलकूद में। महाराष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ स्थापित है, जोधपुर के अंदर, यानी कानून जहां पर हाईकोर्ट है वहीं लॉ यूनिवर्सिटी है। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है, नाथद्वारा के अंदर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। राजस्थान में वस्त्र नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, भीलवाड़ा को। लोक कला संस्कृति सो संस्थान राज्य में कहाँ पर है, ठीक है, तो लोक संस्कृति सो संस्थान उदयपुर के अंदर है। उस्ताद कहाँ के चित्रकारों को कहा जाता है, तो बीकानेर। स्वांगिया देवी किन राजपूतों की कुल देवी थी, जैसलमेर के। अकबर के अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का प्रथम राजपूत था, बारमल। जीवाश्म पार्क, जीवाश्म यानी फॉसिल वुड पार्क का अगर हम नाम लेते हैं तो वो आता है जैसलमेर। जैनों का प्रथम स्मरण कहाँ है, पालना में। उसके बाद है पंखों की नगरी कहा जाता है, जैसलमेर को। सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है गागरून का। फांसी के दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान देने वाला प्रथम राज्य है 2019 के अंदर, वो है मध्य प्रदेश। मुस्लिम विवाह विच्छेद जो पारित हुआ था वो 1939 को हुआ था। विशेष विवाह अधिनियम पारित हुआ 1954 के अंदर। ये राजस्थान पुलिस मॉडल पेपर नंबर 2 चल रहा है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। हिंदू विवाह अवैध है, यदि दोनों पक्षों में से किसी एक का भी जीवन साथी जीवित हो तो यह प्रतिबंध निम्न में से किसके अनुसार होगा, यह हिंदू विवाह अधिनियम के अकॉर्डिंग होगा। देश के सार्वजनिक स्थलों पर मादक पदार्थ बिक्री पर प्रतिबंध लगाने हेतु किस अधिनियम को पारित किया गया था, ठीक है, तो ये लगभग आपके 2008 की बात है, 1 अप्रैल 2008। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, ठीक है, तो ये हुई थी 26 सितंबर 1994 को। भारत में बाल श्रम को प्रतिबंध करने वाला बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम पारित हुआ था, तो ये प्रसिद्ध प्रतिषेध हुआ था 1986 के अंदर। भारत में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह हो जाते हैं तो वो होते हैं अक्षय तृतीया को, उसके बाद होते हैं पिंपल पूर्णिमा को, तो लेकिन सर्वाधिक होते हैं अक्षय, ये हमारा ऑप्शन 1 नंबर रहेगा। बाल विवाह समाप्त करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपाय है शिक्षा का व्यापक प्रसार। भारत में राजस्थान में सॉरी सर्वप्रथम किस रियासत के अंदर बाल विवाह प्रतिबंध बनाया गया था, तो वो है जयपुर। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मॉडल पेपर पसंद आया होगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और आगे भी आपको इस प्रकार का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।